सरकार ने डिजिटल एसेट्स की निगरानी को कड़ा करने के लिए क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स पर मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधान लागू किए हैं। वित्त मंत्रालय ने एक गजट नोटिफिकेशन में कहा कि क्रिप्टो लेनदेन पास में रखने और संबंधित वित्तीय सेवाओं के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट लागू किया गया है। ऐसे में भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज को वित्तीय खुफिया इकाई भारत यानी कि FIU भारत को संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देनी होगी। ये कदम बैंकों या स्टॉक ब्रोकर्स जैसी अदर रेगुलेटेड एंटिटीज के समान ही डिजिटल एसेट्स के लिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के कानूनों का पालन करने की अनिवार्यता के ग्लोबल ट्रेंड के अनुरूप है। आपको बता दें, पिछले कुछ सालों के दौरान डिजिटल करेंसी या फिर एसेट दुनिया भर में लोकप्रिय हुए हैं। हालांकि पिछले साल तक भारत के पास ऐसी एसेट्स को विनियमित करने या उन पर टैक्स लगाने के लिए कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। अधिसूचना में कहा गया कि ऐसी एसेट्स पर अब धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर एक ग्लोबल फ्रेमवर्क की वकालत की। इसके साथ ही उन्होंने लोन की वैश्विक कमजोरियों को दूर करने और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करने की भी बात कही। वहीं देश का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अक्सर क्रिप्टो करेंसी के लिए नए नियमों की वकालत करता रहा है और कहता रहा है कि ये पोंजी स्कीम के जैसी ही है। आपको बता दें, भारत ने G20 की अध्यक्षता के कार्यक्रम में IMF और वित्तीय स्थिरता बोर्ड को संयुक्त रूप से क्रिप्टो एसेट्स पर एक तकनीकी पत्र तैयार करने को कहा है। इसका इस्तेमाल क्रिप्टो एसेट को रेगुलेट करने के लिए एक समन्वित और व्यापक नीति तैयार करने में किया जा सकेगा। तो अगर आप क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं तो आपको थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। सरकार के इस फैसले पर आपको क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।